स्वामीनारायण, मैं कण्वा गुरुकुल की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। सेवन स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। लास्ट टाइम वी चैप्टर 9 एंड एबो लेक्चर 1 to 9 चैप्टर फिनिश। नाउ 10 चैप्टर स्टार्ट। हियर फर्स्ट रिस्पायरेशन इन दिस चैप्टर स्टार्टिंग इन योर टेक्स्ट बुक गिवन द स्टोरी। हियर टू नेम्स बुजो एंड हिज फ्रेंड गोइंग टू द बस स्टेशन फॉर टेकिंग हिज ग्रैंडफादर। इसका मतलब यह है कि बुजो और उसका फ्रेंड बस स्टेशन इसके ग्रैंडफादर को लेने के लिए जा रहे हैं। बट सम लेट, बस कम अराइव, बस जल्दी आने वाली थी और बुजो और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़े लेट आने वाले थे। तो व्हाट हैपन, बोथ आर रनिंग फास्ट फॉर रीच द बस स्टेशन। दोनों फास्ट दौड़े, क्यों, बस स्टेशन पहुंचने के लिए। ओके, तो फिर आफ्टर बस इज कम, ग्रैंडफादर इज स्टैंडिंग ऑन द बस स्टेशन एंड बुजो टॉक हिज ग्रैंडफादर। नमस्ते ग्रैंडफादर से ही एंड हिज फ्रेंड बी ब्रीथिंग फास्टली, श्वास चढ़ गया। सो ग्रैंडफादर से व्हाट हैपन योर फ्रेंड बुजो टेल अस। He and I some late for your receiving, so I fast running our home to bus station, so some problem in breathing. Oh, his grandfather say, okay, so take rest some time. So after some time, take a rest and go here. Here, this answer, Bujo question, understanding why we breathe. After Bujo in the mind, asking to his grandfather, what is the meaning by breathing? What is the meaning by respiration? So these two part, respiration and breathing, are same, telling of the grandfather and explain whole the breathing and respiration to the bujo. Now this explanation in our lesson. Okay, so what happened here first, start in this in chapter 2 introduction given here, chapter 2 introduction. All the organisms are made up of small microscopic unit called cell. Yani hamara hands, leg, head, chest, all the organisms are made up of small microscopic, यानी सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक यूनिट है और कॉल सेल, वो जो छोटा माइक्रोस्कोपिक यूनिट है उसको सेल बोलते हैं। ओके, तो ये जो सेल है इसका मतलब ये है कि हैंड्स, अगर साइंटिफिक डिसेक्शन करेंगे तो उसको काट के जाएंगे तो सबसे छोटा में छोटा पार्ट जो होगा उसको सेल बोलते हैं। सबसे छोटा पार्ट यानी ये जो ऑर्गेनिज्म बना है, हमारा हैंड है, हेड है, लेग्स हैं, चीट्स है, कहाँ से बना है, इनर साइड स्मॉल पार्ट ऑफ सेल, लिखा है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म यानी ये ऑर्गेनिज्म यानी ये हैंड, लेग्स, हेड, वो सब आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट, सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक जो हमको यहाँ दिखता नहीं है। यूज द माइक्रोस्कोप्स,
माइक्रोस्कोप्स में देखते हैं, वो भी अपने एक चैप्टर में आया था और वो वीडियो भी हमने भेजा हुआ है, उसको सेल बोलते हैं। ओके, उसके बाद ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सेल जो है सबसे छोटा और काम करने वाला यूनिट है ये बॉडी का स्ट्रक्चर में, सबसे छोटा, बराबर। ये सेल, सेल के बारे में हमने यूनिसेल्युलर और माइक्रोसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बारे में भी पढ़ा था। यूनिसेल्युलर में हमने अमीबा, पैरामेशियम, यूक्लिडा वो सब हमने देखा था। मल्टीसेल्युलर के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, ऑल आर क्या है, मल्टीसेल्युलर, उसकी मल्टीसेल्युलर बॉडी है ये जो है पूरा, वो उसके अंदर लास्ट क्या आया था, सेल, सेल के बारे में पढ़ाया था। उसके आगे अपने इसके अंदर और क्या है वो देखते हैं। हाँ, हमारे बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चर, एक है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, यानी हम जो खाना खाते हैं क्यों खाते हैं, कि हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो कहाँ से मिलेगा, फूड में से। ओके, फिर ट्रांसपोर्ट, यानी हम जो खाना खाया वो पूरी बॉडी के अंदर ये इसोफेगस में से, स्टमक्स में से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बाय वाटर, ब्लड एंड सेल हेल्पर्स, उससे होता है। ओके, फिर है एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन यानी हमारे शरीर का कचरा, हमारे शरीर का कचरा कहाँ से निकलता है वो आपको मालूम है, यूरिन से और लेटरिन से, बराबर। ये जो कचरा निकलता है नोज से भी गोल्डनेस हो जाता है, फिर स्वाल्ट यानी परसवा हो जाता है, ये सब निकलता है वो एक्सक्रिएशन से निकलता है, बराबर। उसके अंदर भी सेल है, बट सेल इज वर्किंग। ओके, एंड ऑल दिस आवर वेस्ट पार्ट गोइंग आउटसाइड इन आवर बॉडी, बट ये करता कौन है, इसके पीछे अननोन पावर, अननोन पावर का मतलब है नेचर, नेचर का मतलब है गॉड, क्योंकि हमको थोड़ी मालूम पड़ता है कि ये विश पार्ट है, ये यूजफुल पार्ट है, इसमें मिनरल्स है, पर हम तो खा लेते हैं बस। तो ये जो बॉडी के अंदर जो करता है, दिस इज द गॉड, इट मीन्स गॉड इज वर्किंग विथ अस, हमारे साथ काम करता है। ओके, वो है रिप्रोडक्शन, यानी हमारा जो मुंह है अपने मदर या फादर से मिलता हुआ है, और आप देख लेना तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन, यानी ये एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक ऑन कॉपी ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो ट्री है तो ट्री का ऑर्गेनिज्म से ट्री बनेगा, प्लांट में से प्लांट बनेगा, ह्यूमन बॉडी में से ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन जैसा होगा, डॉग का बच्चा डॉग जैसा होगा। ये क्या है कि अपने जैसा ही दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, ये भी हमने देखा है, पर ये सब के लिए दिस परफॉर्म नीड्स एनर्जी, ये सब के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें मिलती है फूड में से, इसलिए ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, आपको हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो काम करता है रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, वो वहाँ से मिलता है। हम जो ईटिंग करते हैं, उस ईटिंग करते हैं ये चबाते हैं, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, वरना खाएंगे कैसे, वीकनेस आएगा, जी स्लो मोशन हो जाएगा, यानी कि झाड़ा, तब में कितनी वीकनेस आ जाती है, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। स्लीपिंग, सो जाते हैं उसमें भी, बराबर, ये माइंड शांत होना चाहिए, अगर उसमें भी एनर्जी चाहिए, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो यहाँ नींद नहीं आएगी, माइंड शांत नहीं होगा तो स्लीपिंग नहीं आएगी, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। फिर रीडिंग,
हम मैं अभी आपको पढ़ के जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसके लिए आइज़ में तो एनर्जी चाहिए कि नहीं, वरना ये तो चश्मे आ जाते हैं, वो तो ओके उम्र के साथ होता है, बट रीडिंग के लिए भी आइज़ में पावर होना चाहिए, वरना आइज़ गई तो पूरी दुनिया जो सुंदर भगवान ने बनाई है हम देख नहीं सकते, इसलिए आइज़ का भी ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने आपको बोला था, फिर से बोल रहा हूँ कि आप ठंडे पानी से धीरे धीरे पानी से वॉश करिए आइज़ को, तो इसमें एनर्जी बढ़ेगी, उसके सेल्स क्लीन हो जाएंगे, पावर होगा, और ये करना चाहिए, मैं करता हूँ इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। रिक्वायर एनर्जी, ये सब के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर चाहिए, और एनर्जी होगा तो ही आप कर्म करोगे। आपको मालूम होगा कि और योर पेरेंट्स यानी आपके मम्मी पापा जो है क्या बोलते हैं, भाई रेगुलर खाना खा। हम खाना खाते हैं पर बाहर का बहुत खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, उससे एनर्जी नहीं मिलती है, कम मिलती है, क्योंकि उसमें मैदा होता है, वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा, फिर आपके पेट बिगड़ गया तो पेट से सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, स्किन डिसीज, कब्जियात, वो सब। इसलिए आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, आपको घर का खाना बोलते हैं, घर का खाना खाओगे तो हेल्दी रहोगे, क्योंकि आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर या आपकी जो भी खाना बनाती है वो किसके लिए बनाती है, आपको हेल्दी रहने के लिए बनाती है। पर आप बाहर का जो खाना खाओगे वो किसके लिए वो बनाता है, वो आपके लिए नहीं, आपके पैसे के लिए, आप पैसा नहीं दो तो खाना नहीं देगा, ओके। इसलिए आपको घर का हेल्दी फूड खाना है, अगर ये सेल्स क्लीन रखने हैं, आपकी बॉडी क्लीन रखनी है तो, वरना इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ओके। इसके लिए आपको रिस्पायरेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो भी एनर्जी फूड में से आपको मिलेगी। और स्टोर एनर्जी, हमारी बॉडी के अंदर आप देखो एनर्जी स्टोर है, स्टोर एनर्जी है, क्यों, इसलिए चर्बी जो होती है, चर्बी फैट, बराबर, वरना हम काम कैसे करेंगे, उसके लिए एनर्जी भी स्टोर होनी चाहिए। फिर दूसरा उसमें दिया है कि ऑर्गेनिजन, यानी ये जो ऑर्गेनिजन की बात कर रहा है कि हमारे हेड, हैंड्स, लेग्स, स्टमक्स, उसमें पूरा ऑक्सीजन जाना चाहिए, तो ऑक्सीजन जाने के लिए रिस्पायरेशन हम करते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, ये जो है वो रिस्पायरेशन है। हम नोस्ट्रिल से यानी नोज से एयर अंदर लेते हैं, और अंदर लेते हैं वो पूरे पाइप से पूरे लंग्स में जाएगी, और लंग्स के अंदर से पूरी बॉडी के अंदर वो आएगा, एवरीबॉडी में जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड पूरी ऑर्गन के अंदर बॉडी को ऑक्सीजन देता है, ये जो देता है ऑक्सीजन पूरी बॉडी को, बराबर, वो रिस्पायरेशन से होता है, और रिस्पायरेशन के लिए भी आपके बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए, वरना वीकनेस आ जाएगी, ओके ओके। फिर हम जो है एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं, और एयर मेकिंग बाय गॉड ऑक्सीजन है 21% है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो ग्रो प्लांट, क्योंकि अभी आप देखो प्लांट्स कट रहे हैं और बिल्डिंगें बन रही है, तो आप क्या करोगे, आप बोले कि सर हमारे घर को जगह ही नहीं है तो मैं कैसे प्लांट्स ग्रो करूँ, आप तुलसी का जो क्या रहा है वो करो, तुलसी खाओगे तो हेल्दी रहोगे, अभी कोरोना में वो फायदा करेगा, बराबर, वो कर सकते हो, ओके ओके। फिर दूसरा उसमें दिया है, हाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है उसकी फॉर्मूला है O2, ऑक्सीजन जो हम वो लिया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, वो हम जो एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन है, तो हमको थोड़ी मालूम पड़ता है, वो एयर में से तो बहुत सारे है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारे है, उसमें से हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, एयर गई तो उसमें ऑक्सीजन ही ले लेता है बॉडी, तो कौन करता है सेपरेशन, दिस इज द गॉड, ओके। इसलिए
इसके अंदर भी आपको बताया है। ओके, फिर है अल्टीमेटली टू ईच द सेल। हाँ, अगर हम बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन घूमेगा तो हम हेल्दी रहेंगे। आप देखना वो काचबा जिसे बोलते हैं कोक्रोटाइल्स, तो जो काचबा होता है तो टर्टाइल्स काचबा वो सबसे ज़्यादा जीता है, और हमारी जो लाइफ है जो अब बहुत कम हो गई है 60 ईयर्स 70 ईयर्स, क्यों? कि हम ब्रीथिंग फास्ट करते हैं। अगर ब्रीथिंग आपको स्लो करोगे तो आपकी आयुष्य बढ़ेगी। स्लो कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर हमको भी स्लो करना है, कैसे करेंगे? प्राणायाम करो। प्राणायाम करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो लंग्स है वो आपका काम करना प्रॉपरली करेंगे, तो धीरे धीरे श्वास अंदर जाएगी, धीरे धीरे श्वास निकलेगी। तो ऐसे कर सकते हो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ, ऐसे हमारे स्कूल में भी करते ही आपने देखा ही है, कर सकते हो बता। तो ये आपका बॉडी और लंग्स हेल्दी रहेंगे। ओके, उसके बाद जो पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूँ। ये द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, यानी हमने जो खाना खाया उसको तोड़ने का काम, क्योंकि हम तो चबाते नहीं हैं, एक्चुअली चबा के खाना चाहिए, चबाते नहीं हैं, चबा के खाएंगे तो ये फूड को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। क्यों उसको तोड़ेगा? क्यों? इसके अंदर से उसको बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्या क्या? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वो सब। ओके, इज कॉल्ड सेल्युलर रिस्पायरेशन। उसको सेल्युलर, यानी पूरी सेल के अंदर वो सब ऑक्सीजन जाता है, इसके सेल्युलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। दूसरी बात, सेल्युलर रिस्पायरेशन टेकन प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी हम सेल के अंदर, जैसे हमारी लंग्स के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन गया तो वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन दे देगा, बराबर। तो ये जो है वो उसको सेल्युलर रिस्पायरेशन बोलते हैं, जो खाना खाते हैं उसको तोड़ के उसमें एनर्जी जो बनाता है वो सेल्युलर रिस्पायरेशन, और सेल्युलर रिस्पायरेशन हो गया उसमें से एनर्जी बन गया तो पूरी अपने पूरी ये बॉन्स से उसको एनर्जी चाहिए, आइस को चाहिए, हेयर को चाहिए, फिर ये बॉडी हैंड को चाहिए। वो कहाँ से आती है? सेल्युलर रिस्पायरेशन से पूरी बॉडी में जाता है, बराबर। इस तरीके से आपका जो ये पॉइंट था, ये 10 चैप्टर रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया, और प्रैक्टिकल भी मैंने अपनी बॉडी से प्रैक्टिकल करके भी आपको बताया है, वो आप कर सकते हो, वेरी इजी है। ओके, करना तो आपको अभी कोरोना में ये फायदा भी करेगा। ओके, नमस्कार, बाय।